दोस्तों आपका अकाउंट है किसी भी बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, सेंट्रल बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, बैंक आईसीआईसीआई बैंक, किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है और आप उसका अकाउंट का बैलेंस घर बैठे चेक करना चाहते हैं। कैसे चेक करेंगे, क्या प्रोसेस होगा, टोटली तरीका इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो होगी काफ़ी शानदार क्योंकि हर बैंकों के बारे में जानकारी दूंगा। छोटी सी वीडियो है, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही डिटेल से आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड जंक्शन यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है रूपेश। दोस्तों आइए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, लाइव स्क्रीन पर आपको लेकर चलते हैं और फिर सीख लेते हैं ना दोस्तों कैसे कैसे क्या करना है। दोस्तों मैं लाइव स्क्रीन पर हूँ, आइए आपको बताते हैं कि कैसे आप यहाँ पे दोस्तों अपने मोबाइल फ़ोन के मदद से, चाहे किसी भी बैंक अकाउंट में आपका खाता है, अपना बैलेंस कैसे चेक कर पाएंगे। गूगल प्ले स्टोर में आइएगा, एक ऐप है जिसका नाम है ऑल बैंक पासबुक एंड स्टेटमेंट। इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद सिंपल इस ऐप को आपको ओपन करना होगा। ओपन करेंगे, कुछ परमिशन वगैरह मांगे तो अलाउ कर दीजिएगा और आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं। थोड़ा सा वेट करना है और ऐसा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यहीं पर एक ऑप्शन बना होगा पहले ही नंबर पे बैंक बैलेंस के नाम से, इस बैंक बैलेंस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब उसके बाद ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करने का ऑप्शन होगा, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर सेलेक्टेड है और आप यहाँ से बैंक आएंगे तो यहाँ पर ऊपर बैंक देखिए सेलेक्टेड करने का ऑप्शन है। यहाँ पर सर्च बार में यहाँ पर सभी बैंकों की लिस्ट है, जिस भी बैंक में आपका खाता है ना उस बैंक को यहाँ पर चूज कर लीजिए। जैसे कि हमारा खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही यहाँ से चूज करेंगे, जो सबसे पहले ही शायद हमें देखने को मिल रहे थे, इस पर क्लिक कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे बैंक बैलेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो स्टेट बैंक का सारा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। ऊपर की तरफ बैंक बैलेंस का एक नंबर दिखेगा, इसको हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अपने सिम कार्ड से हम इसको डायल करेंगे। जैसे ही डायल करेंगे यहाँ पे कॉल जाएगी और कॉल जाने के बाद ऑटोमेटिक कट भी हो जाती है। कट होने के बाद आपको एक मैसेज रिसीव होगा, जिस मैसेज में आपको आपके अकाउंट का बैलेंस शो कर दिया जाएगा, जो भी आपके अकाउंट में बैलेंस होगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से देख पा रहे होंगे और अच्छे से इस तरह से आप अपना बैलेंस चेक कर पाएंगे। आपको मैसेज के थ्रू सारा कुछ जानकारी दे दिया जाएगा। जानकारी अच्छी लगी हो ना तो सपोर्ट करिएगा वीडियो को, लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।